लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और ऐसे में तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो अपने जोड़ तोड़ और गुड़ा भाग में लगे पड़े हैं। इसी बीच नई दिल्ली का एक कुछ पेच ऐसा है जो सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से समझौता होने की बात करते हैं तो कभी शाम तक ये खबरें आती हैं कि समझौता नहीं होगा, सिरे से खारिज हो जाती है बातें। सियासी मैच की तिथि 12 मई को घोषित हो गई है और आम आदमी पार्टी के सुरमा भी सामने आ चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा के महारथियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस असमंजस की स्थिति का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस और आप के बीच चुनावी गठजोड़ को लेकर कभी हाँ तो कभी ना की सियासत है। इससे न सिर्फ कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर उपापह की स्थिति में है बल्कि भाजपा भी अब तक उम्मीदवारों पर कोई निर्णय नहीं कर सकी है। ऐसा माना जा रहा है कि यह गठबंधन की तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रही है ताकि सामने वाले की हैसियत के अनुसार उम्मीदवार उतारा जा सके। टिकटों की घोषणा में हो रही देरी से दोनों ही पार्टियों के दावेदार परेशान हैं क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जितनी देर की जाएगी उतना ही कम समय मिलेगा जनता के बीच जाकर प्रचार करने का। हालांकि 23 अप्रैल यहां पर नामांकन की अंतिम तिथि है, ऐसे में घोषणा में देरी होते देख दावेदारों ने नामांकन से जुड़ी औपचारिकताएं तो पूरी करने की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा में प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। प्रदेश चुनाव समिति ने संभावित प्रत्याशियों की सूची भी केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। अंतिम नामों पर अब तक मुहर नहीं लग सकी है। कांग्रेस में भी स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बार बैठक हो चुकी है और प्रत्याशियों की घोषणा लेकिन अभी तक नहीं हुई है। दोनों पार्टियों के दावेदारों को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रत्याशियों के नाम घोषित होने की उम्मीद थी लेकिन इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। न तो आप व कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कोई अंतिम फैसला आया है और न ही कांग्रेस व भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा हो पाई है। इससे दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं और उन्हें चिंता इस बात की है कि नामांकन के आखिरी दिनों में यदि उनके नाम की घोषणा होगी तो जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए वे वकीलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सहयोगियों से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको लेकर काम कर रहे हैं।